गाइस एंड वेलकम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम जियो फोन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि जियो फोन में ज़्यादा हैंगिंग प्रॉब्लम हो रहा है। जियो फोन ज़्यादा हैंग कर रहा है, तो इसी के बारे में सॉल्व करने के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसके लिए क्या स्टेप है और क्या स्टेप नहीं है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बोल देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजविंदर कुमार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको जो मैं स्टेप बताऊँगा वो स्टेप आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बार और बता देना चाहता हूँ गाइस कि मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बहुत लेट से आता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है मेरा एरिया में, तो इसलिए वीडियो कम लोड हो रहा है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपसे समय पर वीडियो आएगा, एक दो वीडियो जल्द आएगा समय समय पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी के बाद आएगा एक ऑप्शन, उस पर चले जाना है। उसके बाद अलर्ट को अलर्ट ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद ऐप अलर्ट में चले जाना है। ऐप अलर्ट में चले जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर कैलेंडर वाला ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑफ कर देना है। उसे ऑफ करने के बाद यहाँ पर फेसबुक वाला को भी ऑफ कर देना है। उसके बाद जियो चैट को भी ऑफ कर देना है। तो जियो चैट को मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जियो सिनेमा आएगा, जियो सिनेमा को भी ऑफ कर देना है। उसके बाद ये सब पर ज़्यादा ऐड चलता है, इसलिए मैं इस सबको ऑफ कर देता हूँ। और उसके बाद जियो सावन में भी ऐड चलता है, तो इसलिए इसे भी ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद जियो टीवी को भी ऑफ कर देता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना। इसके बाद जियो वीडियो कॉल पर तो बहुत ज़्यादा अलर्ट आता है, तो इसलिए मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद जियो एक्सप्रेस पर भी ज़्यादा अलर्ट आता है, तो इसे भी ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैसेज को नहीं ऑफ करूँगा। उसके बाद मैं जियो पर भी खूब ऐड आता है, तो इसे भी ऑफ कर देता हूँ। ये सारा ऐड के चलते अति हो रहा है, क्योंकि इसे 512 MB का रैम है इसी वजह से। तो सेटिंग को मैं नहीं ऑफ करूँगा। नहीं, व्हाट्सअप अब यूज करते हैं तो व्हाट्सअप को ऑन रख सकते हैं। अगर व्हाट्सअप अब यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सअप को आप ऑफ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। तो आज के इस वीडियो में इतना गाइस।